हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्लस पॉइंट में। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रेशन हो या रिप्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो, वो होना ही होना है, चाहे वो किसी भी वजह से हो। तो अगर हम यहाँ पर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगा, चाहे वो वेस्टिजियल तरीके से क्यों ना हो, पर होगा तो ज़रूर। तो यहाँ पर दो टॉपिक हैं, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हम सबसे पहले अगर हम रेस्पिरेशन को समझें, तो अपन लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन जनरली दो टाइप का होता है, या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन दिया गया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी। अगर हम इसके रेस्पिरेशन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में समझें, तो हम एक पॉलीसेकेराइड ले सॉरी हम एक कार्बोहाइड्रेट ले रहे जो है ग्लूकोज। ग्लूकोज तो जो बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक लेयर होता है। सबसे पहला कैप्सूल होता है, फिर सेल वॉल होता है, देन आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये पूरी एक्टिविटीज हो रही है रेस्पिरेशन की। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा, CO2 एंड वाटर में, तो वो रेस्पिरेशन कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में, NO3 में, तो वो कहलाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दो तरह के रेस्पिरेशन बैक्टीरियम पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन की, तो बैक्टीरिया में जनरली दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। एक होगा सेक्सुअली और दूसरा होगा असेक्सुअली। अगर हम सेक्सुअली की बात करें, तो दो इसमें टाइप्स बोल सकते हैं या फिर एक फॉर्म बोल सकते हैं। एक होगा ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक साइंटिस्ट एफ ग्रिफ्थ 1928 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को उन्होंने दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तो वो कहलाया ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक बैक्टीरिया का हम जेनेटिक मटेरियल लिए और दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिए, तो वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम कंजुगेशन की बात करें, तो कंजुगेशन कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू सेक्स प्लाई। सेक्स प्लाई एक हिस्सा होता है, तो वहां से हम जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो वो कहलाता है कंजुगेशन। अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें तीन टाइप्स होते हैं, तीन तरह से होता है बैक्टीरिया में। पहला होता है फिजन, बर्डिंग एंड होता है स्पोर फॉर्मेशन। फिजन में देखें तो ये डिवीजन के थ्रू होता है। डिवीजन का मतलब ये है कि कोई भी बैक्टीरिया जब लैटरली और लॉन्गिट्यूडनली जब डिवाइड होगा, एक नया बैक्टीरिया बनाए, तो वो कहलाता है फिजन, जो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। अगर हम बडिंग की बात करें, तो जब कोई बैक्टीरिया में एक अलग से वेजिटेटिव आउटग्रोथ हो और उससे एक नया बैक्टीरिया बने, तो वो कहलाता है बडिंग, जो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। अगर हम बात करें स्पोर फॉर्मेशन, तो नॉन मोटाइल स्पोर फॉर्म होता है, जो वहीं पर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर दी, चाहे वो ग्रुपिंग में करे चाहे इंडिविजुअल करे, पर फॉर्म होना चाहिए बैक्टीरिया, तो वो कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसका, बैक्टीरिया का। तो ये दो टॉपिक थे, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, किसमें, बैक्टीरिया में। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा, इसके आने वाले टॉपिक में हम समझेंगे कि इन बैक्टीरिया जो होते हैं, चाहे वो एनारोबिक हो, चाहे ऑटोट्रॉफ हो, चाहे ऑटोट्रॉफ हो, चाहे एरोबिक हो, इनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी डाउट हो या जो भी पूछना हो इसके रिगार्डिंग या टॉपिक्स के रिगार्डिंग, जो भी टीचिंग होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो से चैनल पसंद आया, तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।